यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं सीटों से जुड़े आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे के महाधरने पर बैठे हैं। घेरा जालो कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है, जिससे प्रदेश भर में 18,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले जड़ चुके हैं और 38,000 महिला कर्मी हड़ताल पर है। पूरे प्रदेश से हजारों आंगनबाड़ी कर्मी सचिवालय पर घेरा डालो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आंगनबाड़ी यूनियन अध्यक्ष अखिमी भंडारी और महासचिव राजकुमारी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार समेकित बल विकास योजना को खत्म करने की साजिश रच रही है, इसलिए उसने आंगनबाड़ी के बजट को पिछले 4 सालों में 20,000 करोड़ से घटाकर लगभग आधा कर दिया है। हम लोगों ने स्टेट कमेटी का एक डेपुटेशन उनके पास मिलने गया था और ऐसे इसमें हमारी मांग सरकार से है कि हरियाणा की तर्ज पे 11,500 वर्कर को और 6,000 हेल्पर को दिया जाए और सेवानिवृत्ति पे वर्कर हेल्पर को कम से कम 2,000 पेंशन और 2,00,000 ग्रेच्युटी दी जाए। अगर सरकार हमारी डिमांडों पे विचार नहीं करती, अगर सरकार की नींद अभी भी नहीं खुली, हमारी सरकार के लिए चेतावनी है, आने वाले समय में हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे, लंबा फैसला लेंगे। अब जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है, हम अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे।